एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करण भावसर में। और आज मेरे साथ है मेरे फ्रेंड्स वरुण प्रजापति और पीपल। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? इडरियागढ़। हम इडरियागढ़ जा रहे हैं। और अभी हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे छाला पे रुके हैं, जो अहमदाबाद से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 5:45 हुए है अभी। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है इडरगढ़। सुबह के 4:45 निकले तभी हम यहाँ पे पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। और यहाँ पर मेकअप का सेशन चलता हुआ सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और अभी हम नेशनल हाईवे 48 पर हैं। थोड़ी ही देर में सनराइज होने वाला है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी यहाँ पर आया है टोल। अभी हम आए हैं सीएनजी गैस स्टेशन पर और आप देख सकते हो जो भी सीएनजी गैस डालता है वो अभी आराम से सो रहा है। हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब 6 लेन का काम चल रहा है तो रास्ता काफी बिगड़ा हुआ कभी कभी मिल जाता है, पर अच्छा भी है कभी कभी। यह है साबरकांठा की इम्पोर्टेंट मिल्क प्रोडक्शन डेयरी, साबर डेयरी। हमने सोचा है कि रास्ते में वापस जाते टाइम यहाँ पे जाएंगे। यह है हिम्मत नगर का थिएटर, वन एंड ओनली। हम यहाँ पे रास्ता भूल गए थे तो हमने थोड़ा यहाँ पे पूछा कि इडरियागढ़ कैसे जाते हैं। ये है इडर सिटी, यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। हम जो गेट देख रहे हैं वहाँ से अंदर जाएंगे। अभी लोग सुस्ती में हैं, अभी भी उठे और दूध लेने जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। इसका मेन एंट्रेंस है, ये जो दूसरा एंट्रेंस गेट है। अभी हमने इडर में एंट्री ले ली है और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है इडरियागढ़, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। वहाँ पर हम ट्रैकिंग करेंगे और वहाँ पर एक मंदिर है और एक रानी का महल भी है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। सो गाइज, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर जो पीछे देख रहे हैं वो काफ़ी साल पुराना बरगद का पेड़ है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम झूला झूलेंगे अभी थोड़ी देर में। एंट्री ले ली है इडर में और यहाँ से हम ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। ये जो रास्ता है वो ऊपर इडर का जो गढ़ है वहाँ पर जाता है। पंद्रह प्लेसेस है ये इडर के घर के ऊपर। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में ट्रैकिंग शुरू होने वाला है तो सबके पल्स और थर्मल गन से टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। तो अभी हमने पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन से हमारा टेम्परेचर चेक किया और थोड़ी देर में हमारा ट्रैकिंग शुरू होने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है ट्रैकिंग का रास्ता और सारे लोग आगे निकल गए। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की ओर। आप देख सकते हो यहाँ पर है ये सीढ़ियाँ। थक न
ના લાગે શરીર ને થાકે હા અને મન જે હોય ને થાક લગાડવાનું કામ ઈડરિયા ગઢ કે અભી રાસ્તે મે હમ આયે યહાં પે બોર્ડ લિખા હૈ ઈડરિયા ગઢ કિસે બનાયા હૈ ઈડરિયા ગઢ જો હૈ વો દૌલત સિંહ જી મહારાજ જી ને બનાયા હૈ ક્યું બનાયા ભાઈ મહારાજ પૈસે બહોત આયે થે મહારાજ રહેને કે લિયે બનાતે હૈ બહોત પૈસે થે પૈસે તો બહોત હી હોતે ના મહારાજો કે પાસ હમ લોગો કે પાસ હી નહીં હોતે યહાં પે દેખલા रानी का माड़िया जैनदेरा सर फिर एक तलावड़ी भी है एक कुंड है वजेश्वरी माता जी का मंदिर है काला माता जी का मंदिर है भूरा बाबा की गुफा नव गजा पीर की दरगाह और ऐसे ऐसे कुछ है। ये ऐसा माना जाता है कि ये गढ़ जो है पहले के टाइम में कॉन्कर नहीं किया जा सकता था, इतना मजबूत था, पर अभी ये थोड़ा खस्ता हालत में है। हम देख सकते हैं से आप पूरा इडर सिटी देख सकते हो, और ये जो पर्वतमाला है वो अरवल्ली की पर्वतमाला है। ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है ओके। इंडिया की जो बहुत चार पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला, उदयगिरी हाँ। ये अरवल्ली, ये अरवल्ली सबसे पुरानी हिल्स है। यहाँ पर एक जैन देरासर भी है। सो अभी हमने महल में एंट्री ले ली है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोगों ने महल में अपने नाम लिखे हुए हैं, प्रेम कहानियां लिखी हुई है। सो गाइस ये है महल जो अभी पूरी तरह से खंडित हो चुका है, और यहां पर प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है। हम ट्रैकिंग में जा रहे थे, रास्ता भटक गए हैं। बहुत सारे लोग गए हैं इस साइड ट्रैकिंग। कहाँ पे गए? इस साइड आगे। आगे गए? ये है। सो ये है ट्रैकिंग का रास्ता। हालत खस्ता कचोरी हो गई है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। स्कूल रही है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो ट्रैकिंग नहीं किया, सिर्फ सीढ़ियां चढ़ी है। अभी हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, पर आगे ट्रैकिंग वाले हमें मिल गए, और ट्रैकिंग करते करते हम बहुत ही अद्भुत जगह पर आ गए। आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे बरगद के पेड़ है, और क्या है, और यहाँ पर है जैन मंदिर, मैन वर्सेस वाइल्ड ऑन इडरियोगढ़। वहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू किया था, और अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। और हमारे साथ क्या है, नाम है आपका सर? परीक्षित। परीक्षित, और आपका नाम? जिगर। जिगर, जो कि रोप लेके जा रहे हैं। और अभी हम ऊपर की ओर आ गए, आप देख सकते हो कि पूरा इडर सिटी यहाँ से दिख रहा है, और ये इडरियोगढ़ है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और अभी हमें वहाँ पर ऊपर जाना है। कैसा महसूस हो रहा है? ऑक्सीजन आपका कम हो गया है? मिल गया, यहाँ पे आके ऑक्सीजन मिल गया, थोड़ी देर के लिए थक गए थे पर अभी मिल गया। और ये देखो आप, कैसा अद्भुत नज़ारा लग रहा है, खलियान पूरे रोड सब देखते हैं। यहाँ से खेत दिख रहे हैं, रोड, और ये है हमारा ट्रैकिंग का, पर्वत की चोटियाँ, ट्रैकिंग का रास्ता जो हमें ही बुला रही थी। मैं साबरकांठा की रहने वाली हूँ। क्या बात है। और मैं यहाँ पे इडरियागढ़ पे आ चुकी हूँ, पर ट्रैकिंग पहली बार कर रहे हो ना? ट्रैकिंग पहली बार कर रहे हैं। आइए कभी आप भी महसूस कीजिए यहाँ की ट्रैकिंग। और अभी हम, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। यस, उसमें हर वीकेंड को ये प्रोग्राम रहता है। ओके। अभी कोविड की वजह से 15-15 जन कोई ट्रैकिंग के लिए बुला रहे। तो इसकी कोई लिंक या ऐसा कुछ होता है? फॉर्म भरा था। हाँ। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। फॉर्म सब ऑनलाइन भर के। कांटेक्ट तभी होगा जब चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। આ ડિસેન્ડર ફિગર ઓફ એટ, આપણે ઝડપથી નીચે ઉતરવું હોય અને ઘર્ષણ ઓછું કરવું હોય તો આનો ઉપયોગ, આ છે સીટ હાર્નેસ, અને પગો બનાવવાનો અને આ કમરમાં આવે આપણે। अरवली की हिल पे आ गए हैं, और लॉन्ग स्लिंग रैपलिंग करने वाले हैं, और यहाँ से ऊपर आना है ऐसे, और यहाँ पर रोप्स है,
और थोड़ी देर में रिपर और वरुण दोनों जाने वाले हैं, उसके बाद मेरी बारी। बैठ जाइए पीछे चेयर की तरह बस, और पीछे बॉडी को पीछे लूज करते जाइए। यहाँ से जो पीछे वाला है हाथ पे उसे लूज करते जाइए। कुछ कर ही नहीं देती, हाँ तो पाछड़ एकदम मिडिल में रहता है। जाएगा जाएगा धीरे धीरे जाएगा। हाँ पीछे पीछे जाइए जाइए। हाँ बस ऐसे ही जाते जाइए, सामने देखते रहिए मेरे को बस। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, नीचे नहीं जाइए, मेरे सामने देखिए जाइए। चेयर पोजीशन बनाओ और पीछे, हाँ बस और पीछे को जाइए थोड़ा 90 डिग्री। हाँ और पीछे जाइए, जोड़ते जाओ, कुछ नहीं होगा, बिले रोक पे बस बस कुछ नहीं होगा। चलो वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो सभी नीचे। अरे वाह, अभी बंजी जंप पाचर पत्थर से थ्री पॉइंट क्लाइंबिंग करके कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया हमें, ये तो पहला शब्द ही होना ही चाहिए। पहले डर लग रहा था, पर बाद में जब उतरे तब थोड़ी बहुत खाई जैसी लग रही थी, थोड़ा गैप बहुत नीचे देखने में डर लग रहा था, पर मुझे डर नहीं, जैसे ही शुरुआत हुई ना तो ऐसे ही हो गया। मुझे शुरुआत में डर लग रहा था, मेरा यहाँ से जो चढ़ाई है ना छोटी सी, ये इधर वाली। अब तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। सो अगर आप इधर आते हो तो ये प्लेस की मुलाकात जरूर लें। यहाँ पर आप रिपलिंग कर सकते हो, बहुत ही छोटा है रिपलिंग, आप देख सकते हो अभी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट के द्वारा, अपर रास्ता है गांव जाने का, और वहाँ पे एक तालाब है, और देख सकते हो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। ऊपर जो आप महल देख रहे हो वो है रूठी रानी का महल। सो हम अभी खुफिया जगह पर घूम रहे हैं, बहुत ही सालों पुराना, 15वीं सदी में बनाया गया था ये महल, और अभी हम सीक्रेट रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता है। अभी हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। और ये काफी साल पुराना रास्ता है, टूटा फूटा चोर रास्ता, नीचे नीचे पता नहीं। यहाँ पे खंडहर है, रानी गई तो राजा ने महल तोड़ दिया। ये आप देख सकते हो महल की हालत, रानी गई तो राजा ने महल तोड़ दिया था। आया गुस्सा, वो बीवफाई वाले सॉन्ग गाने लगे। चारों तरफ से खुला है ये महल, यहाँ से सीधा हमें कूद नहीं सकते। आप देख सकते हो अभी ये महल खंडित है, और अभी हाँ वहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है, पता है। ये साइड क्या है, अभी हम खुफिया रास्ते से जा रहे हैं, और ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं। अभी हम बहुत ही ऊपर आ गए हैं, थर्ड फ्लोर पे आ गए, और यहाँ से है फोर्थ फ्लोर।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करण भावसार को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखा उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत गुड नाइट।